बिग बॉस ओटीटी में चल रहा है मेमोरी टास्क, जहां इस घर में बिताए हुए कुछ पलों को कंटेस्टेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, जहां प्रति को सबसे पहले दिखाया जाता है नेहा के साथ नया कनेक्शन बनने वाला हार्ट वाला टास्क, जहां बाकी सबसे झगड़ा करके नेहा और प्रतीक नया कनेक्शन बने थे, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नेहा और प्रतीक के बीच मस्ती और हंसी मजाक ही चलता रहा। प्रतीक को इस वीडियो में ज्यादातर नेहा के साथ बिताए हुए अच्छे पल दिखाए गए, जिसमें नेहा के साथ प्रतीक के बिताए हुए हसीन लम्हे थे और एक दूसरे को जूते चप्पल से मारने से लेके पहने हुए मोजे सुंघाना। इस सीजन का इकलौता इम्यूनिटी टास्क रद्द होते हुए दिखाया गया, जिसमें बजर बजने के बाद ऑटो रिक्शा में ना बैठने के लिए नेहा पे प्रतीक भड़कते हैं, और यही पहली और आखिरी बार था जब प्रतीक नेहा पे भड़के थे। दूसरी मेमोरी में प्रतीक को निशान के साथ बनाई गई दोस्ती के यादगार पल दिखाए गए, जहाँ ज्यादा से ज्यादा हंसी मजाक था, चाहे उसमें दिव्या को अपना नया कनेक्शन बनाने का प्लान हो या निशांत और प्रतीक का मिलके नेहा को चिढ़ाने का प्लान। वहीं घर के सभी कनेक्शंस टूटने के बाद जहाँ निशांत अपने और प्रतीक के फोटो को साथ में जोड़ते हुए कहते हैं कि अब से हम दोनों का कनेक्शन ही बनेगा, प्रतीक को यहाँ निशांत और नेहा में से किसी एक के साथ बिताए हुए लम्हों को तस्वीर के रूप में मेमोरी बना के अपने साथ ले जाना था और दूसरे को करना था श्रेड। यहाँ प्रतीक निशांत के साथ बिताए हुए लम्हों को श्रेडर में श्रेड करते हैं और कहते हैं कि निशांत तो मेरे साथ यहीं पे है, लेकिन नेहा की मेमोरीज को मैं अपने साथ रखना चाहूंगा। तो व्यूअर्स, क्या आप एक्साइटेड है प्रतीक को ग्रैंड फिनाले में देखने के लिए?